गाइस देखिए यही है जो आम का जड़ी है, यहाँ पर पूरा बबूल का कांटा लगा हुआ। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे भाई आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो अभी है रेडी वेडी हो चुके हैं और अभी जाना है भाई कोर्ट। कोर्ट में केस चल रहा था, उसका ये करना लाना पेपर। वकील फ़ोन किया था, दादा बोले कि जाओ उनसे खाली पेपर लेना है, सब चीज़ काम हुआ तो भाई जाना तो पड़ेगा। ये रही बाइक के चाहिए, मन उदास होकर जा रहे हैं, देखते हैं कब तक कोर्ट डायरेक्ट कोर्ट में मिलते हैं, क्योंकि अभी गाड़ी वाड़ी निकालेंगे आराम से चलेंगे। गाड़ी बिगड़ा हुआ है या गाड़ी में काम नहीं हुआ जी, मेरी गाड़ी जो पूरा एकदम लिप। एक दो आदमी अभी थोड़ा सा पेट्रोल लेते हैं, गाड़ी में पेट्रोल कमी हो रही, पेट्रोल टंकी वहाँ पे। फाइनल ईयर कोर्ट पहुँच गया, यही है देखिए कोर्ट अनुमंडल करेला है, यही है। इधर से मुड़ते हैं आराम से, कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट का नज़ारा कुछ इस प्रकार, पूरा क्राउड पूरा पूरा भी रहे हैं, फिर पार्किंग है यहाँ पे लगा दिए, पूरा सामान भी खराब है। जब दादा के पास फ़ोन करते हैं उसके बाद पूछते हैं कौन कहाँ जाना है, गाड़ी पार्किंग लगा दी है पूरा भाई। अब दादा के पास कॉल ही नहीं लग रहा, कसरवर डाउन बता रहा, हम परेशान हो रहे किधर जाएं भाई साहब। अभी मोबाइल ही मेरा छीना गया था, अंदर अलाउ नहीं है बात करने का, और हमें जो फ़ोन पे लगे हुए थे दादा से पूछ रहे थे कि क्या 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 होगा क्या नहीं होगा, बंद है दरवाज़ा, तो दादा बोले कुछ देरी में खुलेगा तो जाना। तो भाई बात कर रहे थे कि लेडीज़ कॉन्स्टेबल आई और छिली मोए, बोले कि लो जमा कर देते हैं, ये कर देते होंगे। बोले मैडम हम केस के सिलसिले में बात कर रहे थे, हमको पता नहीं था, तो हम जाके बाहर बात कर लेते। तो फिर कैसे कैसे करके बड़ा रिक्वेस्ट करके लगवा दी है भाई। उसके बाद इधर आए तो बोले एक घंटा वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं खुलता है तो जाते हैं। तो भाई 2 बजे बैठेंगे, जो सर हमको देखेंगे ना वही 2 बजे बैठेंगे पूछें एक लेडीज़ कॉन्स्टेबल से, तो बोले कि 2 बजे बैठेंगे, देखिए क्या होता क्या नहीं होता। 2 बजे आपका कि अभी भाई कितना टाइम हो रहा है, 1 मिनट 1:17 हो रहा, मिनिमम 1 घंटा 1 घंटा और यहाँ रुकना भाई, और बकचोदी करना। हम अपनी गाड़ी भी चलते आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे बैठ जाते हैं। फाइनली यार मेरा काम हो चुका है, अब जा रहे हैं घर की और बहुत देर के बाद काम हो रहा है। कुछ यहाँ का नज़ारा जो काफ़ी वकील वकील जा रहा है इधर से, बहुत कसके भूख भी लगी हुई है। तो निकलते हैं अभी यहाँ से, उसके बाद सर सबसे पहले दादा के पास कॉल करते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। दादा से बात हो गई है, अब है जो बोले कि ठीक है आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, तो अब सीधे चलते हैं घर, क्योंकि लेट हो गया काफ़ी ज़्यादा, 2:30 बज चुके हैं भाई। चलते हैं यहाँ पे, ब्लॉगिंग करने में भी दिक्कत है, सब बोल रहा है क्या कर रहे हो, कैमरा अलाउ नहीं है यहाँ पे, तब पर भी रिक्स लेके थोड़ा बहुत भाई। अब मैं बताता हूँ प्रॉपर किस लिए गए, तो क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, तो एक केस था भाई, केस मतलब कि हो गया था हम लोग पे, तो वही दादा बोले थे कि जाके नोटिस लेके चले जाओ, वही नोटिस लाने के लिए गए थे, और काफ़ी देरी हुई, हमको पता नहीं था क्योंकि नया नया गया था, तो वहाँ पे कैमरा, मेरा मोबाइल छीना गया था यार, मेरा मोबाइल है जो छीन लिया गया था, तो कैसे कैसे रिक्वेस्ट करके आदमी फिर मोबाइल मांगे। उसके बाद है जो अभी क्या करना है कि अभी जाना, अभी हाईवे पे है, देख लीजिए हाईवे पे भी आए हुए हैं, अभी जाना हमको भाई घर पे जाना, उसके बाद यहाँ पे मेरा मोबाइल है ना जो फूटा हुआ, तो मतलब अथी क्या बोलते हैं गार्ड फूट गया, तो उसको गार्ड भी लगवाना है और सीधे चलना घर। तो चलिए चलते हैं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा। फाइनली घर पे पहुँच गए, जस्ट पहुँचा, पूरा दम डस्ट लगा हुआ था, पूरा आँख में दम चश्मा लगा के नहीं गए थे ना, तो पूरा दम पड़ रहा था भाई, रोना आ गया था दम हवा से। तो कहीं भी बाइक पर जाना चाहिए तो हेलमेट ना दो, चश्मा लगा के ऑफिसली। तभी घर पे आ गए हैं, एकदम सुस्त नहीं तो लग रहा, कहने का कुछ कर भी कुछ किए भी नहीं, तब भी सुस्त नहीं तो लग रहा। फाइनली यार फिर से आम के पास आ गया, वहाँ पे गाढ़ा कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी मतलब गाढ़ा कर देते हैं ताकि पानी एक्स्ट्रा वहाँ पे रखे। तो चलिए गाढ़ा करते हैं, और करण भी आ गया इधर बैर खा रहा। तो गाइस देखिए यही है जो आम का जड़ी है, यहाँ पे पूरा बबूल का कांटा लगा हुआ है, इसको है जो साइड करना काटना है, यहाँ पे गहरा बनाना है ताकि यहाँ पे पानी रह सके हमेशा के लिए, मतलब कि जो भी तक लेगा यहाँ पे गहरा नहीं रहता है ना, पानी फटता नहीं, पूरी कांटा या टांगे लगा पड़ेगा ऐसे नहीं होगा घर, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, कांटा वाटा भी गड़ गया यार हाथ में, टांगी ले लो और ये गड़ा सी ना उन्हें काटा भाई, काटा कट जाएगा ना। इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे दोस्तों, क्योंकि अरे बाप रे पीछे बड़ा दस के, इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे,
आई होप ये ब्लॉग आप लोग को अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं किसी अच्छे से ब्लॉग में।